नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी। कौन सी घड़ी? वही जो हमारे घर में पड़ी, यानी समय जो दिखाती है। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है। तो आज देखते हैं कि समय कितना बड़ा बलवान है, या समय बलवान है, या आपकी मेहनत बलवान है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी मेहनत ज्यादा है तो समय से बलवान आपकी मेहनत हो सकती है। क्लियर दोस्तों, आइए देखते हैं समय बलवान है या मेहनत बलवान है। देखिए, घड़ी के बारे में आज पढ़ ही डालते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, तीन सुई होती हैं। कितनी सुई होती हैं? तीन सुई होती हैं। एक मिनट की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है। मिनट की सुई को मिनट वाला हाथ भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मिनट वाला हाथ। इसको घंटे वाला हाथ और इसको सेकंड वाला हाथ। इसको मिनट हैंड इंग्लिश में कहते हैं, इसको आवर हैंड कहते हैं, और इसको सेकंड हैंड कहते हैं। दोस्तों सेकंड हैंड पुराने वाला नहीं, घड़ी के हैंड यानी घड़ी की सुई की हैंड की वाली बात कर रहा है ये। क्लियर, कहीं पुराने वाला समझ जाओ, नए पुराने में पहुंच जाओ। क्लियर दोस्तों, अब देखिए ये घड़ी की सुई होती है। अब दोस्तों देखिए, घड़ी की सुई 12 बजे से चलेगी और चलती 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 वापस 12 पे आ जाएगी मिनट वाली सुई, और मिनट वाली सुई जब 12 पे आ जाएगी तो घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी? 4 पर। कहां चली जाएगी? 4 पर। क्लियर दोस्तों, घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी? 4 पर। अब दोस्तों आपको पता है कि ये एक पूरा चक्कर घूमेगी, किसी भी बिंदु के चारों ओर घूमने पर। आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर दोस्तों, तो मिनट की सुई ने ये घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लिया? 360 डिग्री घूम गई, 360 डिग्री। क्लियर दोस्तों, तो आइए देखिए, बात करते, हेडिंग कर डालते हमारी मिनट की सुई। मिनट की सुई। क्लियर दोस्तों, अब मिनट की जो सुई होती है वो एक घंटा या 60 मिनट, दोस्तों एक घंटा या 60 मिनट एक ही चीज होती है, में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर दोस्तों, कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बना। दोस्तों ये तो होगी 60 मिनट की बात। अब बात करते, देखिए 60 मिनट के हमारे पास आ गई तो हम एक मिनट का निकाल सकते हैं ना। एक मिनट में मिनट की सुई, देखिए एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का बनाएगी? 360 में मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 डिग्री, कितने? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं आपको 5 मिनट की। अरे भाई 5 मिनट में, देखिए घड़ी मान के चलो यहां सुई 12 पर है तो 5 मिनट में कहां जाएगी? 1 पर। कितने में? 5 मिनट में। और 5 मिनट में कौन सी आएगी? मिनट वाली सुई। क्लियर है, 5 मिनट में मिनट की सुई कितने? 6 का गुणा किससे करा दूंगा? 5 से, यानी कितने डिग्री? 30 डिग्री का कोण। अरे ऐसे ही तो करते थे बचपन में, एक मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 5 गुणा 6 30 डिग्री, इस तरीके से कोण बनाती है। क्लियर दोस्तों, अब ये तो हो गई मिनट वाली सुई की बात। किसकी हो गई? मिनट वाली सुई की बात। अब घंटे वाली सुई की बात करते हैं हम, घंटे की सुई। अब दोस्तों देखिए, घंटे की सुई पहले तो 3 पे थी और एक घंटे में कहां आ गई? 4 पर। यानी घंटे की सुई ने समय तय किया 1 आवर का, 1 आवर का। क्लियर दोस्तों, लेकिन अगर मैं बात करूं कोण की, किसकी? कोण की। तो देखो दोस्तों, ये कोण कितने डिग्री का आया? ये दूरी जो कोण के रूप में आई वो कितने डिग्री की आई? 30 डिग्री की। तो ये भी कितने की होगी? 30 की। ये भी कितने की होगी? 30 की। और ये भी कितने की होगी? 30 की। और ये भी कितने की होगी? 30 की। तो ये भी 30 डिग्री की है। तो एक घंटे या 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी बनाती है 30 डिग्री का? आवर वाली, घंटे वाली। देखिए मिनट वाली तो एक घंटे या 60 मिनट में कितने का? 360 का। लेकिन घंटे वाली वही एक घंटे या 60 मिनट में कितने डिग्री का बना लेती है? 30 डिग्री का। क्लियर दोस्तों, अब मैं एक मिनट की बात करूं, एक मिनट में घंटे वाली सुई कितने का? 60 का भाग दे दूंगा
तो कितने डिग्री आ जाएगा, आधे डिग्री का कोण। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सिर्फ 5 मिनट की, 5 मिनट में कौन सी, घंटे वाली सुई, 5 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का, 2.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर दोस्तों, 2.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, एक बार एग्जाम में आया था, जिसका जवाब बहुत कम स्टूडेंट दे पाए थे। अब देखिए वो सवाल क्या था, वो सवाल ये था कि 1 मिनट में, मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का अंतराल बनता है, कितने डिग्री का अंतराल बनता है। क्लियर दोस्तों, ये था हमारा प्रश्न। अब कितने डिग्री का अंतराल बनता है, देखिए यहां पर जैसे मान के चलो मिनट की सुई है और यहीं पर घंटे की सुई है, दोनों एक ही जगह है। क्लियर है। अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, कितने डिग्री बढ़ जाएगी, 6 डिग्री। अब घंटे वाली सुई भी तो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बढ़ेगी दोस्तों, आधा डिग्री, कितना डिग्री, आधा डिग्री। अब घंटे वाली सुई यहां पर और मिनट वाली सुई यहां पर, अब देखिए ये तो यहां से आधा डिग्री इधर, ये यहां से 6 डिग्री इधर, तो ये जो बीच वाला जो गैप बना ये कितने डिग्री का रह जाएगा दोस्तों, 5.5 डिग्री का, कितने डिग्री का, 5.5 डिग्री का। क्लियर दोस्तों, यानी मिनट व घंटे की सुई 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतराल बनाती है, ये हमारा आंसर था। कोई इसको 6 डिग्री करके आया, कोई आधा डिग्री करके आया, कोई करके ही नहीं आया, मतलब 5.5 डिग्री बहुत कम स्टूडेंट थे, कुछ तो तुक्के में करके आ गए और कुछ थोड़ा बहुत जानते थे वो करके आ गए, बहुत कम स्टूडेंट थे जो इसको करके आए थे, लेकिन अब आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा घड़ी का बेसिक कंप्लीट हुआ है। अब मैं बेसिक के बाद मैं आपको लेके चलूंगा, देखिए ये इस समय, देखिए आपसे पूछूं मैं क्या समय हो रहा है, तो आप कहोगे सर इस समय फिक्स 12 बज रहे हैं, और 12 बज रहे हैं तो मैं पूछता हूं बताइए मुझे इसमें कोण कितने डिग्री का है, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री का कोण है। क्लियर है, दोनों सुइयों के मध्य बिल्कुल 0 है, और इसी 0 डिग्री को ही हम 360 डिग्री का कोण भी कहते हैं दोस्तों, इसी का नाम अति व्यापन होता है, इसी का आच्छादन होता है, इसी का ओवरलीपिंग होता है, इसी का संपाति होता है, इसी का नाम एक ही दिशा में होता है। दोबारा 0 डिग्री, 360 डिग्री, अति व्यापन, आच्छादन, ओवरलीपिंग, संपाति, एक ही दिशा में, एक दूसरे के ऊपर नीचे। क्लियर दोस्तों, इतने सारे नाम होते हैं इसके एक ही स्थिति के। अब मैं बात करता हूं दोबारा आपसे, ये देखिए अब दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, अरे एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है या नहीं होता, 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री का अगर इधर से देखें और इधर से देखें तो भी 180 डिग्री। इसी को देखो एक दूसरे के क्या विपरीत है, एक दूसरे विपरीत दिशा में है ना, तो इसका नाम ये होता है, दूसरी स्थिति हमारी ये पढ़ते हैं और पढ़ने अगले उसमें पार्ट में, और तीसरी स्थिति दोस्तों ये 3 बज रहे और 3 बज रहे तो देखिए अब इस समय आपको कितने डिग्री का कोण दिख रहा है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का अगर ये कोण है तो ये कोण 270 का होता है दोस्तों, आपको बहुत कम बुक्स से पता चलेगा और बहुत कम टीचर बताते हैं कि ये अगर 90 का है तो ये 270 का तो होगा ना, ये तो आपको पता है, लेकिन जिस समय 90 डिग्री का कोण बनता है उसी समय 270 डिग्री का भी कोण बनता है। इसी स्थिति को हम लंबवत कहते हैं, परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन। इसी को समकोण भी हम कहते हैं, इसी का क्या नाम है दोस्तों, समकोण भी नाम इसी का होता है। क्लियर है, और लंबवत, प्रतिच्छेदन, समकोण, 90 डिग्री का कोण, 270 डिग्री का कोण, इस स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, और दोस्तों इन तीनों स्थिति के बारे में हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, इसमें बेसिक में आपके लिए आज इतना ही, ठीक है, अगली वीडियो का आप इंतजार करें, और अगली वीडियो में नेक्स्ट आपको जल्दी डालने वाला हूं, तो आप अगर आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए
तो मैं आपको, आप ऐसा करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना जरूर दोस्तों ना भूलें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। और इसके साथ साथ ही हम बताएंगे कि लेट घड़ी सुई आना जाना, मतलब इसके पूरा घड़ी का आपको पूरा जो घड़ी है वो